विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुका गुरुग्राम अधिकारियों की लापरवाही के चलते कूड़े के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। हालांकि शहर की सफाई व्यवस्था पर हर महीने 2 से 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बावजूद इसके साइबर सिटी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर सड़कों पर कूड़े का साम्राज्य है। खास बात यह है कि ये हालात साइबर सिटी के सिद्धेश्वर मंदिर के सामने के हैं। सावन का महीना चल रहा है, शिवरात्रि आने को है, ऐसे में कावड़िये अपने आराध्य देव को जल चढ़ाने के लिए कावड़ यात्रा कर रहे हैं। कावड़ियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए साइबर सिटी में जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। सिद्धेश्वर मंदिर में भी कावड़ियों के लिए शिविर लगाया गया है, लेकिन शिविर के पास लगे कूड़े के ढेर से उठ रही बदबू के चलते कावड़ियों का बुरा हाल है। परेशानी बहुत है, यहाँ पे कस्टमर रुकता नहीं है कूड़े की वजह से ना, कोई इधर यहाँ तो जगह नहीं मिलती, भीड़ इतनी रहती है यहाँ पे कूड़ा, क्योंकि ढेर कूड़े ने जगह घेर रखी सारी, तो गाड़ियाँ जा नहीं पाती यहाँ से, गाड़ियाँ की वजह से जाम लग जाता सारा यहाँ पे। और इधर ये कावड़ वाले आ रहे हैं, सामने मंदिर है, मंदिर में कावड़ वाले ठहर भी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। ग्राहक अंदर आता है, मक्खी सारे दिन घूमती रहती है, मक्खी इतनी आ जाती है, मच्छर और बदबू, तो आप देख रहे हो कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। और बारिश अभी जैसे लगातार हो रही है ना बारिश, तो बारिश से कूड़े में ज़्यादा बदबू होती है और ज़्यादा बदबू हो जाती है। क्या कहना चाहोगे अधिकारियों से? अधिकारियों से तो कई बार हमने बोल चुके हैं, ये बाहर बैठे रहते हैं कि नगर निगम वाले, इनको भी कई बार बोल चुके हैं उठाने के लिए, पर कोई जवाब नहीं है इनका कुछ भी। दिक्कत है जी, इतना तो कूड़ा पड़ा है, हम पैदल आ रहे हैं, गंद पड़ा है, कोई सेफ्टी भी नहीं है, पुलिस वालों की भी नहीं है इतनी, वैसे भी कुछ शिवर की सेफ्टी है। सरकार तो लाभ दावे कर रही है कि कावड़ियों के लिए अलग से रोड बना दिया गया है, लेकिन नहीं नहीं कोई सेफ्टी नहीं है, हमने खुद गाड़ी डटवा के चौक पार कर रहे हैं, वहाँ यूपी में ही सही सेफ्टी है। और कूड़े को देख के क्या कहोगे? कूड़ा को देख के क्या कहते हैं, हम सुनने के जाते हैं, गंद पड़ा, गंद के अंदर से आ रहे हैं। मैं बाजार के लोग ऐसे है कि ट्रैक्टर आते थे ना तो डेली कूड़ा उठ जाता था जो भी डलता था, और अब जो कुछ दिन से ट्रैक्टर आ नहीं रहे हैं, ट्रैक्टर ना आने के कारण ये कूड़ा बड़ा है। और इसके बाद में मैंने अधिकारियों को कहा है कि भाई यहाँ से कूड़ा उठवाओ, ये बड़ा बाजार है और सामने भूतेश्वर मंदिर भी है, तो वो कहते हैं आज नहीं कल, आज उनने वादा कराया कि आज डंपर लगा के कूड़ा उठवाएंगे, तो मैं वो भी इंतज़ार कर रहा हूँ यहीं खड़ा हुआ अभी कि ट्रैक्टर जैसी भी आ जाए, डंपर आ जाए तो कूड़ा उठ जाए। कितने दिनों से आपने अधिकारियों से और क्या वजह बता? 3 दिन हो गए जी 4 दिन। आपको किस तरह से मार्केट वालों को मार्केट वाले जी रोज रोड़ा करते हैं मेरे साथ, भाई तुम इसको उठवाओ इसको उठवाओ, मैं अधिकारियों को बोल चुका हूँ भाई देखो मेरा मार्केट के अंदर ना रोज तू मैं होती है, और सामने भूतेश्वर मंदिर है, वहाँ भी जो भी आता है ना वो मेरे को बोलता है, क्योंकि काम करवाने वाला मैं यहाँ हूँ, तो मेरे को बोलते हैं, मैं आपको बोलता हूँ आप मेरा इतना ख्याल रखें कि कूड़ा उठना चाहिए, डेली डेली कूड़ा उठना चाहिए। आप भी मानते हो डेली के डेली कूड़ा? बिल्कुल डेली के डेली उठता था सर, ट्रैक्टर नहीं आने की, ट्रैक्टर ना आने की वजह से ट्रैक्टर हड़ताल पर है, ट्रैक्टर वालों कहते हैं कहते हैं हमारी 5-5 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, हम ट्रैक्टर नहीं लगाएंगे, हम हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि साइबर सिटी में सफाई व्यवस्था को लेकर हर महीने 2 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, दुकानदारों में भी खासा रोष दिखाई दे रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।